So hey guys, what's up everybody? I'm Sahil with a new vlog with lots of fun and energy. So I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी आप ठीक हो. So without any waste of time, let's begin this vlog, guys. And guys, जैसे कि मैंने आपको पिछले vlog में बताया था कि मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ. तो आज वो घड़ी आ गई है. तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड आज का डे है संडे और हमारी ट्रेन है मंडे की. हमारी 1 AM की ट्रेन है जो कि नासिक रोड से चल के जाएगी हैदराबाद तक. एंड हैदराबाद की ट्रिप है हमारी जैसे कि बताया था. और अभी हम 12 बजे निकल जाएंगे स्टेशन के लिए. सीएसएमटी हैदराबाद स्पेशल, हाँ है यही ट्रेन है. डन गाइस, अभी फिलहाल हो चुका है सब कुछ. अभी मैं अपना थोड़ा बहुत सामान जो बाकी है वो सब पैक करूंगा. एंड देन उसके बाद अभी मेरे को बार बार कॉल आ रहे हैं फ्रेंड्स के कि कहाँ पर है कि जल्दी आ जा. एंड अभी इसके बाद 1 आवर्स के बाद है हमारी ट्रेन. 1 आवर 1 1 डेढ़ घंटे के बाद है. अभी मैं जल्दी सामान पैक करता हूँ और उसके बाद फटाफट से आपको जाके नीचे मिलते हैं. एंड देन दोस्तों के साथ, दोस्त मेरा कार लेके आ रहा है. बाय द वे बाल भी थोड़े अजीब से लग रहे हैं क्योंकि मैंने कटवाया नहीं, क्योंकि सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहता है. दैट्स व्हाई मैं एज यूजुअली संडे को बाल कटवाता हूँ. तो अच्छा लग रहा है सब काट दिया मैंने. कितने मनोज लग रहे हो, खौफनाक डकैत. मेरे को भी ऐसे ही अच्छा लगता है. पहले अभी फिलहाल जल्दी से हम अपना सामान पैक कर लेते हैं, देन उसके बाद फटाफट से चलेंगे हैदराबाद. तो गाइस, अपनी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है. एंड गाइस, एज वेल आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं ड्राई फिट पहनता हूँ एज यूजुअली जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि ड्राई फिट कंफर्टेबल रहती है ट्रेन में ट्रैवल वगैरह करने के लिए. मतलब अच्छा लगता है, बस मुझे तो यही अच्छी लगती है. आप भी ट्राई कर सकते हैं. अंदर अपनी सब पैकिंग होगी, अभी मम्मी को बुला देता हूँ, मम्मी टिफिन पैक करके देने वाली है. तो गाइस, सारी तैयारी हो चुकी है. अभी फिलहाल वो लोग भी आ गए, उधर गाड़ी आगे रास्ते के पास खड़ी की है. अभी फिलहाल मैं जल्दी से जाता हूँ और गाड़ी में फटाफट से जंप इन करके स्टेशन जाते. सो देन गाइस, अभी फिलहाल हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए हैं. स्टेशन पे बहुत स्ट्रिक्ट है रूल वगैरह की, मतलब मास्क वगैरह पहनना ही पड़ता है. एंड देन उसके बाद अभी थोड़ी देर में ट्रेन आएगी. अभी 12:38 हो गए. सो देन गाइस, अभी ट्रेन टाइम से पहले पहुँच गई है एंड इधर थोड़ा टाइम और लगेगा डिपार्चर के लिए. 1:05 AM का डिपार्चर टाइम है. अभी निकलने वाली बस. अभी फिलहाल जल्दी से अपनी सीट पे जाके बैठते हैं. एंड रात में कुछ बाहर का व्यू वगैरह सब दिखेगा नहीं, तो इतना कुछ दिखा नहीं पाऊंगा आपको. मैं मतलब सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचेंगे हैदराबाद, 2 PM को कल. इस नहीं, आज ही हाँ 2 PM को दिखाऊंगा. सो देन गुड मॉर्निंग गाइस. अभी फिलहाल आधा रास्ता हमारा क्रॉस हो चुका है. एंड देन इसके बाद अभी यहाँ पे स्टेशन है तो उधर रुकी है. एंड होली के दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं. सोच लो कि कैसी अभी स्थिति हमारी. एंड देन बीच बीच में जो भी कुछ अपडेट्स रहेंगे वो आपको बताता रहूँगा. अभी हैदराबाद पहुँचने में थोड़ा टाइम है, बज रहे 7 AM. तो देन गाइस, रात में मैं तो बिल्कुल अच्छे से सो गया था. एंड देन अभी फिलहाल 7:30 को मैं उठ गया हूँ. एंड अभी ट्रेन एक तो कोई स्टेशन क्रॉस की, मेरे को कुछ नाम वाम देखा नहीं मैंने टिक से कि क्या था. एंड हैदराबाद पहुँचने को हमको अभी टाइम लगेगा फिलहाल.
सो गाइस अभी फिलहाल हम मेहदीपट्टनम पहुंच चुके हैं एंड मेहदीपट्टनम में अभी जाके यहाँ पर हमको रूम लेना है। सो बाय द वे गाइस अभी फिलहाल हम लोग रूम ही ढूंढ रहे हैं एंड रूम ढूंढने में ही बहुत टाइम लग रहा है। एंड बाय द वे आज इधर धूप भी बहुत है, बहुत गर्मी है इधर हैदराबाद में, पता नहीं। एंड देन अभी फिलहाल रूम ढूंढते हैं, उसके बाद ढूंढने के बाद आपको डायरेक्ट रूम में मिलूंगा नहा धो के। अभी फिलहाल रूम हमने ढूंढ लिया एंड अभी फिलहाल कुछ करने के लिए है नहीं, तो कल हम जाएंगे गोलकुंडा फोर्ट।